नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, और हम अक्सर वो गलती करते हैं, हालांकि बहुत से लोग एक गलती करते हैं और बाद में धीरे धीरे उसका इफेक्ट हेल्थ के ऊपर पड़ता है। कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसके परिणाम तुरंत मिलते हैं, और कुछ ऐसी मिस्टेक है जो गलती हम करते हैं वो धीरे 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 बढ़कर एक डिजीज के रूप में वो कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कि हम डे बाय डे रूटीन की अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हम अपने स्वास्थ्य को जो मेंटेन है वो नहीं करते, वो गलतियों की वजह से। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या क्या गलतियां हैं जो अक्सर सब लोग करते हैं और उससे बीमार पड़ते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह सैर पे निकलिए। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह जॉगिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, जो कुछ भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए। और पूरी दिन भर की हमारी जो डे बाय डे डे टू डे की जो लाइफ है उसमें सभी अपने जो जॉइंट है उसकी मूवमेंट हम नहीं करते। कुछ ऐसे जॉइंट है जिसकी मूवमेंट पूरी तरह से नहीं होती, तो ख्याल रखें। जैसे कि गर्दन है, गर्दन को राइट लेफ्ट ऐसे करना, अप डाउन करना, आंखों की एक्सरसाइज है, फिर जॉइंट की सभी की एक्सरसाइज है, फिंगर की एक्सरसाइज है, पाँव की एक्सरसाइज है। तो ऐसे ही एक्सरसाइज सुबह सुबह कीजिए। दूसरा क्या रहता है कि सुबह अगर हम सैर पे निकलते हैं तो हमको फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। दिन भर में क्या होता है कि पोल्यूशन हमारे आसपास रहता है, तो जो ऑक्सीजन की जो सही मात्रा है वो बॉडी में हम नहीं इंसर्ट कर पाते। दूसरा ये भी बेनिफिट है कि सुबह सुबह ओजोन का लेयर बहुत ही नीचे की ओर रहता है, तो ओजोन का लाभ भी हमें अर्ली मॉर्निंग मिलता है। तो सुबह सुबह एक्सरसाइज कीजिए, साथ में प्राणायाम कीजिए। कोई भी प्राणायाम आपको जो सुख होता है उस हिसाब से प्राणायाम कीजिए। और जैसे हम शरीर की बात करते हैं तो मन की शुद्धि और मन का स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है, तभी तो हम पूरी तरह से फिट हेल्दी हो सकते हैं। जी हाँ, तो उनके लिए आप मेडिटेशन कीजिए। यस, मेडिटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही। जैसे हम शारीरिक कोई भी क्रिया करते हैं मगर साथ में वो एक्सरसाइज के साथ में मेडिटेशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो मेडिटेशन कीजिए। और दूसरी, उसके बाद दूसरी गलती आमतौर पे सभी लोग एक ये करते हैं, जैसे दोपहर को खाना खाने के टाइम पे सब लंच ब्रेक में घर पे जाते हैं और घर पे जाते ही तुरंत पानी पी लेते हैं। जी हाँ, यह बहुत बड़ी मिस्टेक है। जैसे अपने डे टू डे लाइफ में, अपने बॉडी में, सभी के बॉडी में एक ऐसी सिस्टम सेट हो जाती है। जैसे कोई 2 बजे खाना खाता है तो उसको 2 बजे भूख लगती है, मतलब स्टमक में सिक्रेशन होते हैं, पाचक रसज जिसे हम बोलते हैं, तो एंजाइम का सिक्रेशन रहता है। और पानी पीने से क्या होता है, जब हम पानी पीते हैं तो वो पानी के साथ ही आगे डाइजेशन ट्रैक में चला जाता है। फिर क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं ना तो वो खाने का पूरा डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। उसकी वजह से देखिए, एक साथ इसके ऊपर कोई बॉडी पे प्रभाव नहीं आएगा, मगर धीरे धीरे आगे जाके कोई डिजीज में ये कन्वर्ट हो सकता है। जैसे इनडाइजेशन हो जाता है, मंदाग्नि है, पाचन का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक है,
ऐसे बहुत सी बीमारी हो सकती है आगे जाके, तो ये बात का बहुत हमको ख्याल रखने का है कि खाना खाते खाने से पहले पानी ना पिए, और खाना खाते खाते बीच में हो सके तो आधा ग्लास पानी पी सकते हैं धीरे धीरे, बीच में जब जरूरत है उस हिसाब से। जैसे खाना खाने के पहले हम पानी नहीं पिए, उसी प्रकार से खाना खाने के बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। जी हाँ, वही चीज है कि जो पाचक पच रहा है अपना भोजन, उसमें बाद में अगर पानी पीना चाहते हैं आप, तो 1-1.5 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं, मगर खाने के पहले और बाद में आप पानी ना पिए, खासतौर पे 1 से 1.5 घंटे तक। हाँ, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, प्यास लगती है तो हो सके तो आप खाना खाने के 1.5 घंटे पहले पानी पी लीजिए, बराबर है? और खाना खाने के बाद मुंह को साफ करने जितना ही आप पानी लीजिए। अब दूसरी बात पे आते हैं। दूसरी बात यह है कि आमतौर पे खाना खाने के बाद हम अपने मुंह की कुछ देखभाल नहीं करते। जी, मेरे कहने का ऐसे है, खाना खाने के बाद ब्रश करना बहुत जरूरी है। दोपहर को खाना खाने के बाद हम ब्रश करेंगे तो क्या रहेगा कि उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, या फिर पायोरिया है या ऐसा कोई प्रॉब्लम, या दांत सड़ जाते हैं किसी किसी के, तो ये सब प्रॉब्लम इसीलिए होता है कि खाने के बाद जो खाने के कुछ कण हैं वो दांत में फंसे रहते हैं। ऐसे ही रात को सोते टाइम भी ब्रश किया करें, उससे क्या होगा कि मुंह बिल्कुल साफ हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, और जो दांतों का जो प्रॉब्लम है, मसूड़ों का प्रॉब्लम है, वो एक ख्याल रखने से नहीं हो सकता। बहुत से लोग दूसरी एक गलती करते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं। तो हमें टालना है, क्योंकि जैसे हम खाते हैं तो पूरा लोड डाइजेशन ट्रैक पे आ जाता है, तो अगर हम सो जाते हैं तो पूरा सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है डाइजेशन का, तो जो खुराक पचना चाहिए वो अच्छे से नहीं पच सकता। तो खास तौर पे दोपहर को कुछ लोग सो जाते हैं तो वो भी बहुत गलत बात है। जैसे आयुर्वेद में बताया है, दोपहर को सोने को दिवा स्वप्न कहते हैं, तो दिवा स्वप्न कभी नहीं करने चाहिए। और दूसरी बात, रात को जैसे अब तो सबका शेड्यूल ही ऐसा हो गया है टाइट कि रात को खाने के बाद कुछ टाइम ही नहीं बचता, तुरंत सो जाते हैं, तो रात को बहुत दिक्कत होती है। जो देर रात को खाते हैं और फिर सोते हैं तो उनको डाइजेशन का प्रॉब्लम आगे जाके हो सकता है। तो रात को क्या है कि खाना खाने के बाद कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद सोए, ऐसा कुछ आप प्लानिंग कर सकते हैं। और थोड़ा आप रात को भी अपने एरिया में या फिर अपने मकान के आसपास या कहीं भी थोड़ा आप टहलिए, और उनके बाद ही आप सोइए, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी एक चीज है, रात को सोते टाइम पानी पीने की। जी, अब इसमें बहुत से डाउट है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई रात को सोने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई रात को पानी पीना ही चाहिए। अगर मैं अपनी पर्सनल आपको राय बताऊं तो पीना चाहिए, जरूर पीना चाहिए, रात को सोते टाइम पानी पिए। जब भी आप सोने के लिए जाइए तो पानी पीने के बाद ही आप सोइए, ये ख्याल रखें। दूसरी एक गलती कई लोग ये करते हैं कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है, जैसे कि कोई लंच ब्रेक है, आधे घंटे का लंच है, तो लंच ब्रेक में घर पे आए और आधा घंटे में खाया ना खाया करके निकल जाते हैं,
और बिल्कुल जल्दी जल्दी खाते हैं, बिल्कुल फास्ट खाते हैं। तो फास्ट खाना कितना खतरनाक है वो सबको मालूम नहीं है, मतलब आगे जाके उसके परिणाम आते हैं, धीरे धीरे मालूम पड़ता है, एकदम से नहीं होता। ये जो गलतियां है ना वो धीरे 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 आगे जाके हमको मालूम होती है कि कुछ डिजीज में वो तब्दील हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब क्या रहता है, जैसे कोई बहुत ही फास्ट जल्दी जल्दी खा लेता है तो हम लोग जानते हैं कि हमने बहुत बार पढ़ा भी है कि एक निवाले को 32 टाइम चबा चबा के खाना चाहिए। अब आजकल इतना टाइम तो किसी के पास है नहीं कि एक निवाले को 32 बार चाहिए, तो सही है वो भी, मगर फिर भी आप उसमें जो बेसिकली देखा जाए तो इसके पीछे का जो मेन चीज है वो ये है कि पाचक रस, हमारी जो लार है ना, मुंह में जो लार बनती है, तो लार वो भोजन में मिलती है, और वो जो भोजन आगे जाता है तो डाइजेशन ट्रैक में इजीली उसका डाइजेशन हो जाता है। तो लार जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जितना हम चबाएंगे उतनी लार उसमें मिक्स होती जाएंगी। तो यही चीज है जो हमें करनी है, खाना बहुत धीरे से खाइए, चबा चबा के खाइए, आराम से खाइए। कई लोग दाल दाल चावल चावल है या फिर केला है, बनाना है, वो ऐसे ही निगल जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आराम से धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। एक केले को खाने में कम से कम 5 से 8 मिनट लगनी चाहिए, ऐसे धीरे धीरे खाना चाहिए, तभी उसका पूरा पाचन हो पाता है, डाइजेशन ट्रैक में आगे जाके उसको लोड नहीं होता। तो हेल्थ के लिए ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो आगे जाके धीरे 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 किसी रोग में तब्दील कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें इन सभी बातों का ख्याल रखना है, खाना बिल्कुल टाइम से खाइए, रात को पूरी नींद लें, पूरे दिन में पानी कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए, धूप में जा रहे हैं तो धूप से प्रोटेक्शन रखें, शुगर है तो उस हिसाब से आपका भोजन का प्लान करें, बीपी है तो उस हिसाब से आप ले, ज़्यादा तला हुआ चीज़, पनीर, बटर, मलाई, वो सब कम लें, और अपने हेल्थ का बिल्कुल ख्याल रखें। चलिए आज के लिए इतना ही, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी के साथ हम फिर से आपके समक्ष एक नई वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे।